जी बताइए क्या घटना घटी आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ? मतलब घर से पिटिया जा रहे थे मम्मी को लेके, ठीक है, उसके बाद चार पाँच आदमी मतलब पीछे से दो गाड़ी से तो पीछा करते आया, उसका पैर मारा मेरे मोटरसाइकिल में, ठीक है, पैर मारा, हम नहीं गिरे, नहीं गिरे तो आया घेर लिया, घेर लिया तो हाथ चलाने लगा, हम भाग गए, हम पे भी गोली चलाया, उसके बाद हम भाग गए तो टंकी पे गोली चलाया, गोली टंकी पे मतलब लग गया गाड़ी के टंकी पे। कौन मारा? रोहित कुमार है। कहाँ के रहने वाले? पहले से कोई दुश्मनी थी उस पर? कोई दुश्मनी नहीं था उससे। आप अपने बारा हो? कहाँ से आ रहे थे आप? घर से हाट मुजाना हाट जा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मैं उपेंद्र सिंह। पापा का नाम? श्री भुवनेश्वर सिंह। घर कहाँ हुआ? चंदौली पिछाई टोला। थाना? थाना वही ओपी। क्या करते हैं आप? बस टावर में नौकरी करते हैं। घटिए सर। बैनी थाना क्षेत्र निवासी उपेंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर सिंह, ग्राम चंदौली वार्ड नंबर 5, थाना बैनी जिला समस्तीपुर, एवं उपेंद्र कुमार सिंह की माँ फूल परी देवी, दोनों पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से ये नीरपुर आधारपुर की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही उपेंद्र सिंह अपने मोटरसाइकिल से माँ के साथ में ये अपने बोरिंग के पास मतलब पहुँचे तो पीछे से दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 व्यक्ति और एक उसमें रोहित नाम का लड़का है जो आधारपुर मेला थाना कर्पूरी ग्राम जिला समस्तीपुर का है, उन्होंने जान मारने की नीयत से मतलब उस पर उपेंद्र कुमार पर गोली चलाई, जिसमें गोली बचते बचाते पल्सर के बाएं साइड में टंकी पे जा लगा, टंकी को मतलब पूरे तरह से छेद कर दिया है, और इस किसी को गोली पैर हाथ या बाजू या बॉडी में कोई तरह के जख्म उख्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि जान मारने के नियत से ही उनके द्वारा गोली चलाई गई। किस तरह का विवाद हो सकता है सर? ये अभी तो उनके द्वारा बताया गया नहीं है, ये उपेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया है कि ये ताजपुर में एक बार मेला में उनसे हमको मुलाकात हुआ था, और मुलाकात के दौरान हम लोग दोनों में मतलब बातचीत करते थे, और कुछ विशेष नहीं बताया है। ये